अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। वेलकम बैक टू माय चैनल लवली डायरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। एंड फ्रेंड्स, इस रेसिपी को मूंग दाल का चिला कहते हैं, सो इसलिए ये मूंग दाल से बनती है। सो फ्रेंड्स, मूंग दाल का चिला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है मूंग दाल, जिसको मैंने सोक कर लिया था 4 to 5 आवर्स। एंड देन वी विल ग्राइंड इट इनटू अ फाइन पेस्ट। सो मैंने इसमें एक चिली ऐड किया है और थोड़ा सा जिंजर। सो फ्रेंड्स, मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। सो मसाले में मैंने सबसे पहले लिया है सॉल्ट, देन रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे। देन मिक्स इट अप। And add a little bit of water to maintain the consistency of the batter. So batter की consistency हमें ऐसी रखनी है, ज़्यादा रनी भी नहीं हो और थिक भी ना हो। So friends, batter is ready. Now it's time to make a chilla. तो चिला बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने लिया है कॉर्न, स्वीट कॉर्न है, और कोरिएंडर लीफ, कैरेट्स, सम कैरेट्स, ग्रेटेड कैरेट्स एंड ग्रेटेड पनीर, ग्रीन चिली एंड टमेटो। सो फ्रेंड्स, चिला बनाने के लिए हमें एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे फैलाना है, स्प्रेड करना है। देन एडिंग 2 to 3 बिग स्पून ऑफ बैटर एंड इसे इवनली स्प्रेड करना है। और इसके साइड साइड से थोड़ा ऑयल डालेंगे हम। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर गैस का फ्लेम हाई ना हो। और अब इसे 30 टू 40 सेकेंड के लिए कुक करना है। देन वी विल कीप ऑन एडिंग द वेजिटेबल्स। सो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर कॉर्न रखा है, देन टमाटो, उसके बाद सम कैरेट्स, ग्रीन चिली एंड देन लास्ट में ग्रेटेड पनीर एंड कोरिएंडर लीफ इसके ऊपर। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं इसके ऊपर चाट मसाला भी ऐड की थी, सॉरी मैं वो वीडियो में नहीं ले पाई। एंड अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा ऑयल डाला है। देन प्रेस इट अ लिटिल एंड टर्न इट। सो फ्रेंड्स, इसे हम लाइक डोसा की तरह भी बना सकते हैं। इसके ऊपर एक साइड वेजिटेबल्स रख के देन फोल्ड कर देंगे। मैंने वैसा नहीं बनाया है, मैं सब पूरे में वेजिटेबल्स डाल के एंड उसे टर्न कर दी हूँ। And friends, yes, our healthy and protein se bhara chilla is absolutely ready. So friends, I hope that you like the recipe. So milti hu aap sabse apne next vlog mein. Tab tak ke liye you really take good care of yourself, be happy and keep smiling. And of course, if you like this recipe, please do like, share and subscribe to my channel.